Hello friends, I am Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture we will see the points of our classification of herbicides. आज के लेक्चर में हम हर्बिसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन आज हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले हम देखते हैं हर्बिसाइड्स क्या होता है. हम हर्बिसाइड्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है उनको, केमिकली केमिकल होते हैं कैसे अप्लाई करते हैं. सो हर्बिसाइड इट इज ए केमिकल यूज टू किल द सम टारगेटेड प्लांट्स. तो ये टारगेट प्लांट किल करने के लिए यूज होते हैं. तो केमिकल और टारगेट प्लांट दो इसमें मेन वर्ड्स हैं. सो केमिकल्स जो कि किसी स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए, जिनको हम वीड कहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप में मेन क्रॉप से अलग होते हैं और लेसर नंबर में होते हैं, यानी उससे कम नंबर में होते हैं और उसे किल करना की जरूरत होती है क्योंकि वो क्रॉप के साथ, मेन क्रॉप के साथ में कंपटीशन करते हैं, उसके न्यूट्रंट को खाते हैं, उनके वाटर कंपटीशन करते हैं, यानी हर एक तरह से उसमें कंपटीशन करते हैं और जो मेन क्रॉप है उसको हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं. तो इसलिए उनको किल करना जरूरी है. तो इसलिए वो टारगेटेड प्लांट कौन से होते हैं, जो वीड होते हैं वो टारगेटेड प्लांट होते हैं और जो केमिकल होते हैं उनको हर्बिसाइड्स बोलते हैं. तो ऐसे केमिकल जो कि टारगेटेड प्लांट, मतलब जो वीड्स होते हैं उनको टारगेट करके वे अफेक्ट करते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको इनएक्टिव कर देते हैं. सो नाउ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल वीड कंट्रोल. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है. द सेलेक्टिविटी एग्जिबिट्स बाय सर्टेन केमिकल्स टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन कंट्रोलिंग इट्स एसोसिएटेड वीड विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप फॉर्म बेस्ड ऑन द केमिकल वीड कंट्रोल. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हर्बिसाइड्स हैं उनकी एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बारे में देखा था. तो दो तरह के होते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन अब ये इतना बेसिक ये चीज़ है कि ये जो मेन क्रॉप होती है उसको हार्म नहीं करते हैं और जो वीड्स होते हैं उनको ही डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उन्हीं की जो ग्रोथ है उनको इनहेबिट करते हैं. सच सेलेक्टिविटी मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल ट्रांसलोकेशन, डिफरेंशियल डीएक्टिवेशन एक्सेट्रा. तो ये जो इसका वीड में और मेन क्रॉप में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स हमको वीड पे एक्शन करना है या मेन क्रॉप पे करना है, तो वो कैसे डिसाइड होता है. तो वो जो क्रॉप और जो वीड है उनकी मॉर्फोलॉजी या उसकी डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, कितना वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं. सपोज मेन क्रॉप है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है और जो वीड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको हार्मफुल होंगे. इसका ट्रांसलोकेशन है, जैसे ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द प्लांट. तो प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन है उस केमिकल का, वो हो सकता है कि मेन क्रॉप में ना हो और वीड में हो, तो इस कारण भी वो ट्रांसलोकेशन जल्दी होकर उनको किल कर देता है. या डिफरेंशियल इन डीएक्टिवेशन, तो डीएक्टिवेशन जो है वो हो सकता है कि मेन क्रॉप को ना करता हो और वीड क्रॉप को करता हो. तो इन बेसिस पे हम उसको सिलेक्टिव या फिर मेन टारगेट पे एक्ट करते हैं. तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड. पहला है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मेथड पे कैसे हम डिसाइड करते हैं, सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड और फोलेज अप्लाइड हर्बिसाइड. तो सॉइल अप्लाइड मीन्स क्या है, हर्बिसाइड एक्ट थ्रू द रूट एंड अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द वीड. जो वीड होता है उसके जो या तो रूट्स पे एक्शन करते हैं या फिर वो उसके जो अंडरग्राउंड और पार्ट, जो स्टेम्स कुछ पार्ट सॉइल में है या उसकी रूट्स है या उस पे वो एक्ट करके वो सॉइल अप्लाइड होते हैं. और फॉलेज अप्लाइड जो हम उससे स्प्रे करते हैं उसके पत्तों पे अप्लाई करते हैं. हर्बिसाइड प्राइमरीली एक्टिव ऑन द प्लांट फॉलेज, यानी जो कैनोपी पे हम स्प्रे करते हैं उस पे जो एक्ट करते हैं, जैसे पैराक्वाट हो गया या फिर जिर्मोवेट है. तो नेक्स्ट है अपना है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन. तो मोड ऑफ एक्शन के आधार पे भी उसको क्लासीफाई करते हैं, जैसे सेलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. तो सेलेक्टिव देखते हैं, सेलेक्टिव में ए हर्बिसाइड इज कंसिडर्ड एज सेलेक्टिव व्हेन ए मिक्स्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीसीज इट किल सम स्पेसिफिक विदाउट इंजरिंग द अदर. जैसे एट्राजिन, जैसे सेलेक्टिव मतलब कि जो मेन क्रॉप होते हैं उनको वो कोई भी हार्म नहीं करते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते हैं. जो वीड होते हैं सिर्फ उन्हीं को किल करते हैं, उन्हीं के ऊपर वो अपना जो असर दिखाते हैं. तो ये सेलेक्टिव टाइप होते हैं. दूसरा है नॉन सेलेक्टिव टाइप, मीन्स इट डिस्ट्रॉय मेजोरिटी ऑफ द ट्रीटेड वेजिटेशन पैराक्वाट. तो क्या करते हैं, जितने भी इसके सामने जिसपे भी ये स्प्रे कर दिया जाएगा, जिसको अप्लाई कर दिया जाएगा, वो सबको ये मार देगा. यानी इसमें कोई भी सेलेक्टिविटी नहीं होती है, ये टारगेट प्लांट को एक्ट नहीं करता है, जिसके भी ऊपर भी डल जाएगा उसको ये मार देगा. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोबिलिटी.
सो मोबिलिटी मीन्स उसके मूवमेंट के आधार पे, कैसे मूवमेंट के उसके आधार पे इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा होता है? एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किल दोज प्लांट पार्ट विच इट विल इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे पैराक्वाट, यानी कॉन्टैक्ट, यानी अगर उसने किसी प्लांट के कॉन्टैक्ट में आ गया वो हमारा हर्बिसाइड, तो वो उसे किल कर देगा, उसे मार देगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उसके उसको सिलेक्टिव नहीं होता, नॉन सिलेक्टिव है, यानी जिसके ऊपर भी पड़ेगा वो सबको किल कर देगा। नाइट्रेट ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, यानी जो उसके अंदर, जिसके अंदर जाएगा, उसके अंदर मीन्स उसके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जो प्लांट पार्ट्स के अंदर एंटर करेगा, लीव्स के अंदर, की स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, तो तभी उसको किल कर पाएगा, कॉन्टेक्ट से उसको कुछ नहीं होगा। तो हर्बिसाइड विच टेंड टू मूव फ्रॉम ट्रीटेड पार्ट टू अनट्रीटेड एरिया, सो जाइलम, फ्लोएम, और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इट्स मॉलिक्यूल। तो जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जो उसके अंदर के टिश्यू होते हैं, उनको जाइलम फ्लोएम अलग अलग तरह के होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जो मीन्स उसके अंदर कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसके अंदर मूवमेंट करते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो ट्रांसलोकेट करते हैं उससे, जहाँ जिस पार्ट में वो नहीं होता है, वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे है या नहीं है, तो वो डिफरेंस की तरफ बढ़ता है, उसे किल कर देता है। फोर्थ टाइप अपना बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं, जैसे प्री प्लांट एप्लीकेशन पीपीआई, यानी प्लांट के उगने से पहले, यानी एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड और सोन, यानी जो मेन क्रॉप है उसके सो करने से पहले ही हम खेत में, फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो वीड्स को उगने ही नहीं देते, उसको पैदा ही नहीं होने देते। सॉयल एप्लीकेशन एज वेल एज फॉयल एप्लीकेशन इज डन हेयर। तो यहाँ पे हम सॉयल और फॉयल एप्लीकेशन दोनों तरह के कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर ए क्रॉप और वीड हैज इमर्ज। तो ये वीड के इमर्ज होने से पहले, यानी यहाँ पे मेन क्रॉप हमने ऑलरेडी सो कर दी है, मेन क्रॉप उगने वाली है या सो हो गई है, तो उसके बाद हम प्री इमर्ज यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इमर्ज, पोस्ट इमर्ज जब वीड भी हमारे पैदा हो गए और जो मेन क्रॉप है वो भी पैदा हो गए, तो उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं उसको हम पोस्ट इमर्ज कहते हैं। तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप और वीड इज रेफर्ड एज पोस्ट इमर्ज एप्लीकेशन। तो पैदा होने के बाद जो करते हैं उसको पोस्ट इमर्ज बोलते हैं। व्हेन द वीड ग्रो बिफोर द क्रॉप प्लांट्स हैव इमर्ज सो द सॉइल एंड ऑल किल्ड विद ए हर्बिसाइड देन इट इज कॉल्ड ए अर्ली पोस्ट इमर्ज। यानी जो क्रॉप है, वीड है, वो पूरी तरह से नहीं उगे हैं, यानी उसके पहले ही हम अप्लाई करें, तो उसको हम पोस्ट इमर्ज कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ली पोस्ट इमर्ज, यानी अर्ली यानी जो उगने के बहुत तुरंत बाद ही इसको हम अप्लाई करते हैं, जस्ट आफ्टर द इमर्जिंग ऑफ द वीड्स। अनदर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन द स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, 2 वीक आफ्टर सोइंग इट क्लासिफाइड पोस्ट इमर्जिंग हर्बिसाइड्स। और उसकी नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है या फिर एलिमेंट्स से बनते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक एलिमेंट से बनते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स के बारे में देखा। आई होप आपको बात लेक्चर पसंद आई होगा, बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में भी, जिससे वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें, इससे और पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।